आपके आशीर्वाद बने रहेंगे तो मोदी भी नई नई चीजें करता रहेगा। जी हाँ, जनता का दोबारा विश्वास जीतकर सत्ता वापसी कर मोदी बिल्कुल अलग अंदाज में हैं। हर दिन वो नए बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। देश की सीमा से सटे सैकड़ों गांव जिनका जीवन राम भरोसे था, अब उन बेसहारों का भी सहारा मोदी सरकार बन गई है। उत्तराखंड के चीनी सीमा से सटे 250 उजड़े गांवों को मोदी सरकार संवारने में जुट गई है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहल के बाद उत्तराखंड के खाली होते गांव के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। प्लान के मुताबिक इन गांवों को बसाने के लिए इन गांवों के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के 4 ब्लॉक की सीमा चीन से लगती है। यहां के करीब 250 गांव के लिए प्लान तैयार किया गया है ताकि यहां के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में पलायन ना करें। पलायन आयोग का मानना है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में ही करीब 50,000 से 60,000 की आबादी है। इस आबादी के लिए रोजगार के साधन यहीं पर मुहैया कराए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड के इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियां और कृषि से जुड़े कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी बड़े शहरों और विदेशों में मांग है। इसी मांग को रोजगार के साथ जोड़कर आमदनी बढ़ाने की तैयारी की गई है। अगले 6 महीने में पलायन आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों, विशेषज्ञों और राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ मिलकर इस फाइनल प्लान को जमीन पर उतारेगा।